भाई किसी पार्टी के तलवे चाट रहा पूनम पंडित के बस की बात नहीं, मुझे माफ करना, मैं किसी पार्टी के तलवे नहीं चाट पाऊंगी। बार बार मैं बोल चुकी हूँ ये बात। मैं तो यहाँ आंदोलन में तब तक हूँ तब तक ये अन्नदाता हर बॉर्डर पे है, तब तक इनका समाधान इनको महसूस ना हो जाए, इनको पक्का कंफर्म ना हो जाए। सरकारी संपत्ति सरकारी संस्था किसी भी पार्टी ने नहीं बेची है, माननीय मोदी जी ने यूँ शुरुआत कर दी है, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। सरकारी सुविधाओं को बढ़िया बनानी चाहिए, सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, चाहे हमारा देश मजबूत हो, किसी प्राइवेट को नहीं, तब प्राइवेट आदमी मजबूत हो जाए। भैया वे सरकारी जो सरकार में कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो ये प्राइवेट कर्मचारी होंगे वे विदेश सुलाओगे तुम, वे भी तो यही रहेंगे। भैया वहाँ कैमरे वैमरे लगा के व्यवस्था करो, ठीक है, वहाँ दौरे करवाओ बड़े बड़े अधिकारियों के, ऐसे सुधरेगी ना कि तुम प्राइवेट बना दो इन्हें, प्राइवेट उद्योगपति बढ़िया बेस्ट हो जाएंगे, फिर सरकार कम हमारे देश की वो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जब राफेल सस्ता आ रहा हो जब तुमने लाए नहीं, और जब महंगा आया जब तुम ला रहे, ज्यादा समझदार हो मुझे भी पता हो। मतलब निजी कंपनियों का कोई योगदान नहीं है देश में? भैया का योगदान है तुम बताओ, युवाओं को भटकाने का योगदान है, वो नेट पैट से दे देगा, फिर BSNL बंद कर दिया, BSNL बंद कर दिया, बताओ ATM में पैसे वापस आ जाते हैं 10 रुपए। अच्छा फिर तो पहले पैसे ना आए करे, जो युवा तो उनसे रिझता है, सुन लीजिए मेरी बात, युवा समझदार हो रहा, BSNL काय को बंद कर दिया, नेट पे लगा दिया, नेट पे एक दो भाई की वीडियो भी देखी मैंने, एक भाई की वीडियो आ रही के मोदी जी ने नेट फ्री चलवा दिया, यू करवा दिया। भैया ध्यान से काम करो, आप कह क्या रहे हो, अनुरोध है मेरे ऐसे ऐसे लोगों से, आप मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहे तो सारे प्रवक्ता आंदोलन जीवी करने लगे इनके, ऐसे नहीं होगा समाधान। समाधान होगा माननीय मोदी जी, आप जो है बातचीत की बात को आगे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे नाम ना दे, और आपने जो ये नाम दिया है हमें गर्व महसूस होता है कि हम आंदोलन जीवी हैं, आपने हमें कहा, हालांकि उनकी शहादतें लगी थी, देखिए मेरी तो शहादत नहीं हुई देश को आजाद कराने में, है ना, लेकिन मुझे गर्व महसूस हुआ आपने कहा, पर आपने अपने शब्द वापस ले और बातचीत की बात बनाए, नए नए नाम दे करके आप ऐसा काम ना करें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उस गरिमा को ध्यान में रख के माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है बार बार। अगर वो गरिमा को ध्यान में रखते तो वो इतने लोगों की जो शहादत हुई है, इतने स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, तो वो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आपको कितना अच्छा लगता अगर आप सभी उनका सम्मान करते, क्या किसान की शहादत होती है, मेरे जवान की शहादत होती है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए किसी की जरूरत होती है, बताइए अब जरूरत होती है क्या? चलिए मानते हैं ले ली भैया, वहाँ का नियम होगा लेनी पड़े, या यूं भी नियम होगा कि किसानन की शहादत पे लेनी पड़े, और बाकी अनुमति वो जो श्रद्धांजलि अर्पित करी थी अभी उन्होंने उनकी उन्होंने ले ली होगी, लेकिन यूं कहाँ का नियम है, जब देश का जवान और देश का किसान शहीद होता है तो इसकी अनुमति नहीं ली उन्होंने, अपनी मर्जी से ऐसा कर दिया, तो आप बीच में वहाँ शोर करो, ये कहाँ का नियम है ये भी तो बताइए। मेरा माननीय मोदी जी से एक अनुरोध है, देखिए उन्होंने आंदोलन जीवी कहा, मेरा अनुरोध है जितने भी लाखों करोड़ लोगों की शहादत हमारे देश को आजाद कराने में आजादी में उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, वो सभी आंदोलनजीवी थे, आप भी आंदोलनजीवी हैं, आपने उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचाई है जो लाखों करोड़ों की शहादत के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। मैं पूनम पंडित आपसे अनुरोध करती हूँ, और देश की जनता आपसे अनुरोध करती है, नारी शक्ति आपसे अनुरोध करती है, अगर आपकी नजरों में उनकी अहमियत है लाखों करोड़ों लोगों की, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है, तो आप वो अपने शब्द वापस ले, माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है, बार बार अनुरोध है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि मतलब अगर कोई संगठन का व्यक्ति चला गया तो उसके जो कार्यकर्ता हूँ उस संगठन को छोड़ के यहाँ पे सहयोग करें, और वो नहीं कर सकते, कहाँ लिखा कहीं हो, ये जन आंदोलन है, बिल्कुल नहीं लगा। देखो घर खेती करना करेंगे तो हम खावेंगे क्या, वे यहाँ के भिजवाएंगे, ये भी तो बात है, आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये आंदोलन मेरे को नहीं, सबको पता है कि नहीं है, कमजोर नहीं हो रहा ना, थके हुए हैं, आपको पता भी है, जनता भी जागरूक हो रही है, देश का अन्नदाता भी जागरूक हो रहा है, जन आंदोलन तभी तो ये हुआ है, क्यों नहीं होंगे, बस ये भी तो बता मैं देश की जनता को, ये कह रहे हैं कि ये वापिस नहीं होंगे, हमने इन्हें कमी बताई, सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति कमी बता रहा है, और जितने भी मेरे संगठन यहाँ आएंगे उनके व्यक्ति भी जा रहे हैं, नेता भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मेरे जैसा युवा भी बता रहा है, मैं बहुत सारी डिबेट में बैठी हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने उन्होंने मेरे से पूछा है कमी कि आप कमी बताओ, मैंने कमी बताई है, आप मेरी डिबेट भी चेक कर लेना, मैंने कमी बताई है, आज और बता दो, सुन लीजिए आप, मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगी और बताइए, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, कमी भी बता के जाऊंगी जब आप पूछ रहे हैं, तो मैंने कमी भी बता दी, लेकिन उस कमी के मैंने उनसे फायदे पूछे हैं, उन्होंने मुझे फायदे नहीं बताए आज तक, और जब मैंने उनको कमी बताई है, एक भी आप मेरी डिबेट उठा के देख लेना, अगर किसी और को उन्होंने बता दी हो या सवाल जवाब उन्होंने दे दिए तो मुझे नहीं पता, जिस डिबेट में मैं बैठी हूँ बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ में, कमी बताने के बाद वो सवाल से दूसरी तरफ आ जाते हैं, कांग्रेस प्रियंका गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी पाकिस्तान, यहाँ वो आ जाते हैं,
उस सवाल के पूछने के बाद मैंने भी कमी उन्हें बता दी। जैसे माननीय मोदी जी कह लग रहे वहां पे कि ये कानून वापस नहीं होंगे, कारण भी तो बता, मैं देश की जनता जानना चाह रही। देखिए बाल विवाह की जो है डिमांड लोगों ने करी, ये बात गलत भी है, आपको पता है ना। मैंने भी बोला एक बार कि मैंने कहा भाई छोटी छोटी उम्र में समझदारी से सारे काम होने चाहिए, जब बच्चा मैच्योर हो जाए तब वो वाक ब्याह होना चाहिए। और भी बोला, ये नहीं कहिए कि आप नहीं डिमांड करी। दूसरी बात, आपने कौन सा दूसरा सवाल क्या था? दहेज प्रथा तो दुनिया कहती है कि दहेज प्रथा बंद करो, सब कहते हैं दहेज प्रथा का भी और सती प्रथा का भी सबने विरोध करा। ये मत कहिए कि नहीं करा फिर भी सरकार लाई। देखिए प्रधानमंत्री ज्यादा सच बोलते हैं नौकरी मिलेंगी, महंगाई कम होगी, है ना, और नारी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बहुत बात है, वो ज्यादा सच बोलते हैं। रैलियों में तो मान लेते हैं लोग, बोल देते हैं, लेकिन संसद में भी झूठ बोलते हैं। आप एक बात बताइए, संसद में वो बैठे, सदन में वो बैठे माननीय मोदी जी, रिकॉर्ड होता है, हाँ जी जी रिकॉर्ड होता है, जो वहाँ पे वो बैठ गए, ठीक, क्या उन्होंने एक पल के लिए भी जो उनकी पार्टी के लोग हैं, देखिए विपक्ष के आप पीछे खूब पढ़ो ना धोखे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं, मैंने एक देखा था राहुल गांधी, वो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी वहां पे बोल रहे थे, तो उन्होंने हमारे अन्नदाता के लिए दो पल का मौन रखा, ठीक, बेशक चाहे वो विपक्ष में है लेकिन उनकी पार्टी के लोग हाय हुल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है, ये सभ्यता है उनकी पार्टी के लोगों की। मोदी जी शायद भूल गए कि वो भी एक आंदोलनजीवी है, वो भी शायद भूल गए हैं कि वो भी आंदोलन जी भी आंदोलन करते थे, और इनकी पार्टी के जो लोग उस बात को दोहरा रहे, हमारे मोदी जी ने ठीक कहा, हमारे मोदी जी ने, भैया वे हमारे भी मोदी जी हैं प्रधानमंत्री है देश के, तुम भूलो मत, यह बात है तुम्हारे ही ना है, वे हमारे भी हैं, तो वह बात है तुम दोहरा रहे हो, एक बार सोच भी लेते, अगर तुम सोच लेते ना यह बात है तो यह बात है दोहराते नहीं, तो सोच के माननीय मोदी जी को बोलना चाहिए, इतने बड़े पद पे वो हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं भैया, जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो वे भी करते थे, शायद मोदी जी भूल गए। देखे व्यस्त ज्यादा है और दुविधा में भी ज्यादा है, उधर से हाँ लोड है बहुत ज्यादा, इधर से किसानन का लोड हो रहा, उधर से उद्योगपति को हो रहा, और उधर से तुम्हारे जैसे पत्रकारन को भी हो रहा, तो ज्यादा लोड है, थोड़े हो जाए डिस्टर्ब, कहाँ कर दिया एमएसपी पक्की, कर दिया कानून रद्द है, अच्छा दिखाइए भैया, नहीं उन्होंने तो मना कर दिया, नहीं होगा, आप लोड कहाँ बचा। देखिए वो कौन है मना करने वाले, हमारे लिए वे कानून लेकर आए, खेती हम करेंगे, ये करेंगे, देखो वे बैठे हुए हैं, ठीक है ये करेंगे, इनके फादर साहब करेंगे, मोदी जी थोड़ी करेंगे। पॉलिसी बनाने का अधिकार तो आपने उन्हीं को दिया भैया, हमने पॉलिसी बनाने का ऐसी को अधिकार दिया जो हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए ही, ठीक, बेरोजगारी, हमें नारी शक्ति चाहिए थी, नारी का सम्मान करो, ऐसे ऐसे नहीं जैसे इनके प्रवक्ता नारी का अपमान कर रहे हैं, इनकी फितरत होगी अपमान करने को नारी का, लेकिन ये इस बात को भूल जा मैं कि नारी का जब अपमान हुआ ना उस व्यक्ति का हमेशा से विरोधी हुआ, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, हमने तो इनसे नुकही ही कि देश की शिक्षा भी सुधार है। अब आप बताओ इतनी महंगाई, इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है देश में, जब आप 20,000 करोड़ के आप प्लेन ला रहे हो, नया संसद बनवाने को पैसे दे रहे हो, ठीक, तो ऐसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। चलिए आएगी, बहुत बड़ा, अभी थोड़ी आई है, वो आ गई, आ गई कहावा में, क्या कहावा में, अभी वहां का प्रमाण थोड़ी आया, ठीक। जो दूसरी बात, ये जो दलिया बट रहा, ठीक है आप दे रहे हो, बट आप सरकारी स्कूलन में जाकर देखो, मेरी जैसी बहन बेटी बिचारी बैठी रहे हैं वे, और 2-4-6 घंटा बैठ के वे आ जाएं, और जो जाड़न के मौसम में सूटर भी बुने बिचारी, वे खुद नुए में हम कहा करें, जब ये वहाँ जाकर दौरे नहीं करेंगे और जब वहाँ सर्वे नहीं करेंगे तो वे ही कैसे ध्यान देवेंगी। तो इस तरीके से जब सरकारी स्कूल है, जैसा आपने देखा होगा, सुन लीजिए, प्राइवेट है ये, प्राइवेट को मजबूत कर रहे हो, सरकारी को करो आप, वहाँ पर वो भेजो ना, जब आप टीम भेजते हो कि ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, चाहे उसमें मैं भी हूँ, टीम भेजो ना, आप प्राइवेट को मजबूत कर रहे हो, सरकारी को मजबूत करोगे जब तो देश मजबूत होगा, प्राइवेट को मजबूत करोगे तो प्राइवेट कंपनी और उद्योगपति मजबूत होंगे भैया, कैमरे वैमरे लगवा दो भैया, योगदान तो टाटा जी का, बताओ आप टाटा जी को कितना इन्होंने करा, टाटा जी ने बेड दिए कोरोना काल में, इतनी जगह दी, यू दिया ऊ दिया, और भी उद्योगपति इनको, रिलायंस ग्रुप ने भी दिया हॉस्पिटल, सुन लीजिए मेरी बात, रिलायंस ग्रुप को इन्होंने क्या क्या दे दिया तुम मेरे ज्यादा जानो, ठीक है, रिलायंस ग्रुप को इन्होंने क्या क्या दे दिया मेरे ज्यादा जानो।